ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ॐ शांति 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 श्री श्रीमानंदमय की जय। आज मैं क्या बना रही हूँ, इट्स वेरी सिंपल बट इट्स वेरी टेस्टी, ठीक है। इट्स अ पोटेटो फ्राइड राइस और इसके साथ टैमरिंड मतलब इमली का रायता, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी टेस्टी। सो चावल जो है राइस, इट्स अ लेफ्ट ओवर राइस, जो कल बनाया था वो आज यूज कर लीजिए लाइक दैट, ठीक है। द गैस इज ऑन, तेल डालिए, आई हैव टेकन टू चॉप्ड पोटेटोज बड़े बड़े टुकड़े, यू कैन टेक थ्री ऑल्सो, और इसको गर्म होने दीजिए। उसके बाद क्या क्या डालना है, जीरा, कटी हुई मिर्ची दो तीन ले लीजिए, नाउ पुटिंग द गैस ऑन स्लो, अदरक चॉप्ड अदरक, कड़ी पत्ता, करी लीव्स, उसके बाद ड्राई रेड कश्मीरी चिलीज, उसको थोड़ा सॉटे करिए। उसके बाद थोड़ा हींग, देन अगेन सॉटे, देन आई एम पुटिंग सूखा मसाला, उसमें गैस स्लो रखिए वरना मसाला जल जाएगा, चिल्ली पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर लाइक वन टेबल स्पून, ऑल द मेजरमेंट्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट। देन यू पुट इन वन बिग चम्मच ऑफ सांबर पाउडर, इट इज वेरी गुड, वन टेबल स्पून, देन पुट इन वन टी स्पून ऑफ अमचूर पाउडर, देन अ लिटिल बिट ऑफ गरम मसाला, दैट्स इट, देन यू स्टर, अच्छे से उसको स्टर करिए। देन यू पुट इन योर पोटैटोस, और उसको कुक होने दीजिए। उसमें थोड़ा सा नमक डालिए ताकि वो जल्दी चढ़ जाए। अब इसको भूनते रहना है टिल द पोटैटोज बिकम नाइस एंड ब्राउन गोल्डन जैसा। सी इट इज़ सो गुड एंड इट स्मेल्स सो गुड। अब इसको भूनने दीजिए ऑन स्लो फ्लेम, आई एम कीपिंग इट, एंड नाउ आई विल मेक द रायता इन द मीन टाइम। ये पके ना तब तक रायता बना लेते हैं। तो मैंने योगर्ट जो है दही वो बीट करके रखा है विस्क करके, ये देखिए उसमें है ना
थोड़ा इमली चाहिए. सो वी विल टेक इट हियर थोड़ा सा बिकॉज इट्स अ टैमरिंड रायता. और थोड़ा सा उसमें दही डाल के मिक्स कर रही हूं. And then put it in. अच्छे से सब निकालिए. ये हो गया. उसके बाद यू पुट इन 1 teaspoon ऑफ शुगर एंड सॉल्ट. और ये साइड पे आप भूनते रहिए. इसमें नमक डालिए एंड देन whisk it again. And then put hara dhaniya as much as you need. So this is your raita with this rice. Bahut tasty hai. And your raita is ready. इसको स्लो फ्लेम पे भूनने के बाद नाउ इट हैज टू कुक ना. कच्चा है तो एक ढक्कन ऐसा अंदर से रख लीजिए एंड स्लो फ्लेम पे कुक होने दीजिए. देन आई विल कम बैक. नाउ वी चेक दीज पोटैटोज आर रेडी. दे आर कुक्ड नाइसली. सी द कलर. इसके बाद यू गो एंड टेक योर राइस द लेफ्ट ओवर राइस एंड टेक एज मच एज यू वॉन्ट. I've taken I think 2 cups of rice. So just add. And mix. Your potato fried rice is ready. See how nice it looks. Yummy. So my staff and I will be eating it for lunch. Hai na Bharti? When Bharti is operating the camera, na, she just goes very quiet. Otherwise, she's very talkative. Mix nicely. And then ये हो गया. उसके बाद खूब सारा हरा धनिया ऊपर से डालिए एंड इट्स गुड टू गो. देन सी हरा धनिया मिक्स. इट लुक्स सो गुड. And I've had it several times. Bahut tasty hai. It's quick. You know, खाने में क्या है क्विक कब होता है जब आप सब रेडी रखते हैं सामने. सब मसाले एक ट्रे में रख दीजिए व्हेन यू आर कुकिंग. तो क्या होता है फिर ढूंढना नहीं पड़ता है कि ये यहां से निकालो वहां से निकालो. फिर उसमें क्या होता है कि जल जाते हैं सारे मसाले. तो सामने अगर रखते हैं ना तो जल्दी जल्दी हो जाता है सब कुछ एंड इट्स नॉट टीडियस. ये हरा धनिया ऊपर से थोड़ा डाल दीजिए एंड योर राइस इज रेडी. सो दिस इज द राइस एंड दिस इज द रायता विद इट. सी स्विच ऑफ द गैस. यमी ना. यमी. इट लुक्स वेरी यमी.
एंड इट टेस्ट वेरी यमी। होटल मुझे पता है कि यमी दिख रहा है बट टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। सो ट्राई करिए, सिंपल नाइस। जय मां। ओम सहनावतु सहनवनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति 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 ही श्रीमानंदमय की जय। ट्राई करिए, लेट मी नो। जय मां।